आपके अपने YouTube चैनल नेचुरल होम ब्यूटी में वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो कि बिल्कुल प्योर है, 100% ये नेचुरल है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और मैं पहले ही आप लोग को बता देती हूँ, ऑल टाइप स्किन के लिए है। आप कोई भी स्किन है आपका तो आप इसे बेहिचक यूज कर सकते हो। और पहली बात सबसे नंबर पे कि आप जो है इसे लेडीज और जेंट्स दोनों लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये होम रेमेडीज केवल लेडीज के लिए है। तो ये होम रेमेडीज आप इस्तेमाल करोगे तो आपको ना तो कोई फेस वॉश की जरूरत पड़ेगी, ना तो फेस पैक की, ना स्क्रब की, ना फेसियल की, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि ये फेस पैक जो है, ये रेमेडी जो है, बिल्कुल सारे जो गुण होते हैं फेस वॉश में, स्क्रब में, चाहे वो फेसियल हो या मसाज का स्टेप हो, सब कुछ इसी में होने वाला है। बस एक ही स्टेप करने पर आपका सब कुछ हो जाएगा। तो आप नहाने से पहले इसे ज़रूर यूज करें और कम से कम आप इसे एक हफ्ते तक टाइम दें। डेली आप यूज करें, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप नहाने से पहले इसे यूज करें और आप देखेंगे बहुत फर्क नज़र आता है। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो सभी रिमूव हो जाएंगे, आपकी स्किन काफ़ी फेयर दिखेगी और आपकी स्किन डीपली क्लीन तो होगी ही। और उसके साथ साथ आपकी स्किन के अगर कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, जैसे कि डार्क स्पॉट या जांघिया या पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सभी अगर जैसे बहुत ज़्यादा जटिल समस्या है, बहुत ज़्यादा आपके इस चेहरे पर दाग धब्बे हैं, तो वो आपको एक हफ्ते में रिजल्ट नहीं देगी। इसके लिए और टाइम लगेगा क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होगा, ये बिल्कुल नेचुरल 100% होगा। तो नेचुरल चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह मैंने इस रेमेडी को बनाया है और कैसे यूज करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही इफेक्टिव ये रेमेडी है और आपको 100% रिजल्ट देगी। तो वीडियो को ज़्यादा बढ़ाना करते हुए मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो हाँ फ्रेंड्स, एक आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बिल के द्वारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये रेमेडी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए मसूर की दाल और मूंग की दाल चाहिए होगी। तो यहाँ पर मैंने मसूर और मूंग की दाल ली है बराबर मात्रा में। तो आपको जितने दिन का बनाना हो आप उतने दिन का बना के स्टोर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 15 दिन के लिए बना रही हूँ। तो दोनों को मिक्स करके जो है ग्राइंडर में डाल लेंगे, मिक्सर ग्राइंडर में, और ग्राइंड कर लेंगे। एकदम महीन जो है आप लोग को नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है, हल्का सा दरदरा, इतना ज़्यादा दरदरा भी नहीं, क्योंकि जो है इसमें अभी और भी इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे जो कि बिल्कुल ही एकदम स्मूथ होगा। जैसे कि ये बेसन मैंने अभी इसमें जो है डाल दिया है, तो ये बेसन है। बेसन को आप जानते ही हो कि आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, आपकी स्किन को फेयर करता है। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पर हमने उतनी ही मात्रा में मुल्तानी मिट्टी रखी है। सभी को बराबर क्वांटिटी में रखना है, चाहे मसूर दाल हो या मूंग की दाल, और बेसन, मुल्तानी मिट्टी, ये चारों इन्ग्रीडियंट्स को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसूर दाल जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके डार्क स्पॉट, झाइयों को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है मसूर दाल। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे जब आपको लगाना होगा हनी, तो हनी जो है आपकी स्किन के बैक्टीरिया को आने से रोकेगा और साथ ही आपकी स्किन को स्मूथ, सिल्की और शाइनी बनाएगा। और इसे हम मिल्क में बनाएंगे फेस पैक। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप मिल्क में बनाएं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा मलाई भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज वाटर में बनाएं। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि नॉर्मल स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए क्या यूज करना है, तो आप रोज वाटर में ड्राई स्किन है तो यूज कर सकते हो, और आप इसे नहाने से पहले आप इसे यूज कर सकते हो। इसे लगाने के बाद आपको कोई सॉप, फेस वॉश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे 15 दिन यूज कर लो तो आप देखोगे कि आपके चेहरे पर एक
अच्छा सा निखार और जो दाग धब्बे हैं वो भी आपको लाइट होते हुए दिखाई देंगे। आपकी स्किन की ऑल टाइप की समस्या सभी रिमूव हो जाएंगे और आपके जैसे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, ये सभी भी रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जो दाल होती है ना उसको मैंने हल्का दरदरा पीसा था, जो कि आपका स्क्रब का काम करेगा। फेस पैक, स्क्रब, फेसियल सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगा। जैसे ही ये ड्राई होने लगे, हल्के हल्के हाथों से आप निकाल दीजिए तो देख सकते हैं आपके ड्राई हो गया है। तो अभी मैं इसे निकाल दे रही हूँ, फिर इसे वॉश करके आप लोग से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं चेहरे को वॉश कर ली हूँ, जैसा कि आप देख सकती हो। तो अभी जो है एकदम सॉफ्ट और मुलायम और फेयरनेस भी आप लोग को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसे जो है यूज करके आप अपने सॉफ्ट फेस वॉश को स्किप कर सकते हो। आप इसे कुछ दिन यूज करोगे, बहुत अच्छा आप लोग को इफेक्ट मिलेगा। और साथ ही आपको किसी भी फेस पैक या फेसियल भी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ास बात है कि आप इसे लेडीज हो या जेंट्स, सभी लोग यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप इस्तेमाल ज़रूर एक बार कीजिएगा मेरे कहने पर। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।